अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ सब सोकर उठ चुके हैं और हमारा नाश्ता भी हो रहा है साथ साथ। मेरा कैमरा, ये कैमरा है तुम्हारा, बस इसी से अपनी पिक्चर ले लिया करो। और आज संडे था मगर फिर भी हमने बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाई, हलवा पूरी वगैरह। आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं तो इसलिए मैंने नईम से कहा छोड़ो बिस्किट ही खा लेते हैं, हलवा पूरी नहीं मंगाते। तो आज भी हम बिस्किट ही खा रहे हैं चाय के साथ। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है और यहाँ बच्चे भी बाहर हैं। ये पठानों के बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, छुपन छुपाई खेला जा रहा है यहाँ तो। बाइक को मोबाइल वगैरह सब कुछ रख लिया चार्जर। मैं जा रही हूँ अहमदाबाद और कल है नईम की बर्थडे, और मैं जाती तो मैं नईम के साथ जा सकती थी। अभी बड़ी मैं पैदल ख्वार हो रही हूँ मगर इसलिए नहीं गई क्योंकि नईम को पता चल जाएगा और मुझे नईम को देना है सरप्राइज़। तो मैंने सोचा मैं नईम के लिए शर्ट्स वगैरह ले लूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि ये करीब भी है अहमदाबाद और यहाँ पर चलते हैं, चल के लेकर आते हैं। और ये मानो मेरे साथ जा रही है, मानो इस तरफ आ जाओ, गाड़ियाँ भी चल रही हैं ना यहाँ पर। तो मैं शॉप पे पहुँच के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। गिफ्ट तो हमने ले लिया, बस अब मैं बलून वगैरह लेने के लिए आई हूँ। ये क्यों लेंगे, पापा की शादी है क्या? हाँ शादी में लेने और क्या, और ये भी बेबी अजान की शादी में लेने के लिए आएंगे, ठीक है। 440 एक हमने गिफ्ट पेपर भी ले लिया गिफ्ट के साथ, और ये हमारे बताया पैसे भी जो आपके साथ हैं। और अब हम निकल रहे हैं बाहर, फूल वगैरह मैं बाद में मंगवाऊंगी और केक भी मैं बाद में मंगवाऊंगी क्योंकि अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं केक किसी अच्छी जगह से मंगवाऊंगी, यहाँ पे मुझे पैदल जाना पड़ेगा। चलो चलो हम, मानो देर हो गई है बहुत, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पर महमूदाबाद में आज इतवार बाज़ार भी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश हो रहा है। मानो इधर मेरा हाथ पकड़ लो आप, काफ़ी ज़्यादा रश है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज इतवार है और यहाँ इतवार बाज़ार भी लगा हुआ होगा। मैंने ले लिए हैं नईम के लिए, एक मैंने पैंट शर्ट ली है, वो भी मैं जाके पैक करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी, फिर आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। नॉर्मल सी है, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है क्योंकि आज संडे का दिन है, मार्केट्स वगैरह ज़्यादातर बंद रहती हैं, तो इसलिए मैंने बस यही यहाँ से जो करीब से मुझे समझ में आया मैंने ले ली। लास्ट टाइम मैंने यहीं से नईम की पैंटें ली थी और बहुत अच्छी आई थी, और इस बार भी मैंने यहीं से ले ली है। और साथ में कुछ मैंने बलून वगैरह लिए, हैप्पी बर्थडे का लिया, और आज रात को हम डेकोरेट वगैरह करेंगे, 12 बजे नईम को विश करेंगे। मैं घर आ चुकी हूँ और हसन को सुला के गई थी, और यहाँ हसन साहब जाग गए और हसन ने पोटी की हुई थी, मैंने आते ही सबसे पहले तो मैंने इसको धुलाया, अब पानी पिया है, कुछ जान में जान आई है। तो अब आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं ये वाली पैंट शर्ट लेकर आई हूँ, ये वाली मैंने पैंट ली है,
और इसके साथ मैंने ये चेक वाली शर्ट ली है। पिछली बार भी मैंने यहीं से नईम के कपड़े लिए थे, नईम कुछ साथ गए थे तो उनको पसंद आया था यहाँ के, तो मैंने कहा चलो अभी भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और गिफ्ट पेपर मैंने लिया है, कहाँ गया गिफ्ट पेपर, कहाँ गया भाई हमारा, वो आवाज़ नीचे से उठा के दो। गिफ्ट पेपर ये वाला मैंने ब्लू वाला लिया है, इसके साथ मैंने कार्ड लिया है ये वाला, ऊपर तुम्हारे पापा की भी तस्वीर बनी थी। और कुछ ये मैं बलून लेकर आई हूँ, और एक ये भी लेकर आई हूँ हैप्पी बर्थडे वाला, ये भी लगाएंगे अभी थोड़ा सा, हमने घर को भी डेकोरेट करना है। नहीं मैं आराम से आना है 12 बजे के बाद, इधर दो ये कार्ड गिफ्ट के ऊपर मैं लगाऊंगी। और अब मसला ये बन गया है कि अजान कह रहा मैंने भी गिफ्ट देना और मानो कह रही मैंने भी देना, अब इनके भी गिफ्ट का मुझे कुछ करना पड़ेगा और इन्होंने भी गिफ्ट देना है। तो मैं सोच रही हूँ मानो आप पापा को चॉकलेट गिफ्ट कर दो। नहीं मामा। फिर क्या दोगी? मैं पापा को मूंगी। रजनी दे दो, पापा वो रजनी खाते भी तो है ना, रजनी गिफ्ट कर दो। सही है, अजान चॉकलेट दे देगा, आप रजनी दे देना, ठीक है? सही है, चलो भाई डन हो गया। अरे यार ये मैंने क्या किया, मैंने तो हैप्पी बर्थडे का समझ के लिया और वो इट्स अ बॉय निकला। अब मैं क्या करूँ, मुझे ये चेंज करवाने पड़ेंगे, अब मैं किसको भेजूँगी ये चेंज करवाने के लिए, चलो देखते हैं। ये आज कुछ बच्चियाँ आई हैं मेरे पास बाल बनवाने के लिए, और अभी मैंने एक के तो मैंने बाल बना लिए हैं, बड़े प्यारे इसके बाल बने हैं माशाल्लाह, है भी बहुत क्यूट। और ये देखें ये मैंने इसका हेयर स्टाइल बनाया है, और बाकी बाल इसके खुले छोड़े हैं। आगे से दिखाओ, आगे से दिखाओ, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ये। और अब ये बनाने मैंने दूसरी वाली के बाल, आओ इधर आओ, ये भी बड़ी प्यारी सी बच्ची है, अब इसके बाल बनाने लगी हूँ मैं। इन्होंने मेहंदी भी बड़ी प्यारी लगवाई हुई है, आप अपनी मेहंदी दिखाओ, अंगूठियाँ भी पहनी हुई हैं, पता नहीं किसकी शादी पे लो जा रहे हैं। आओ अब आपके बाल बनाती हूँ, आ जाओ, इसके भी बाल बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दूसरी वाली के भी बाल बन गए, और ये तो बहुत ही क्यूट है। प्रिंसेस लग रही है तुम, पता कि प्यारी तुमने फ्रॉक पहनी हुई है, सही है। आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, और ये वो वाला हलवा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ये पहले भी एक बार मैं बना चुकी हूँ, बड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए ये सारे मैंने मेवे निकाल कर रखे हुए हैं, और चीनी भी मैंने ये हाफ कप तकरीबन मैंने रखी हुई है इसके लिए, चीनी तेज़ अच्छी नहीं लगेगी इसमें। अब ये बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको काफ़ी देर से पका रही हूँ, और बिल्कुल लाइट लाइट ये ब्राउन होगा तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। और मैंने इसके बीच में डाला है थोड़ा सा घी, और अभी मैंने पहले बच्चों को फ्राइज़ बना के दिए हैं, फ्राइज़ खा के कह रहे हैं कि और बना के दो, अब आलू ख़त्म हो गए और आज आलू वाला आया भी नहीं, अब इनको मैं नूडल्स बना के दे रही हूँ। इसका भी पानी मैंने ये निकाल कर रख लिया नूडल्स के लिए, यहाँ बन रहे हैं हमारे नूडल्स, और यहाँ पे हमारी बन रही है सूजी, और आप देख रहे हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है, लाइट लाइट सा कलर आ गया है इसका। बस अब मैं सूजी को उतारने लगी हूँ। जितनी हमारे पास चीनी थी उतना ही हमने पानी डालना है, ये देखें अब उतना ही मैंने पानी डाला है और उतनी ही चीनी इसमें डाल रही है। अब चीनी को थोड़ा सा हम पिघलने देंगे, जब ये अच्छी तरह से शीरा तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें मेवे भी शामिल कर देंगे, और साथ में अपना ये सूजी जो हमने ब्राउन की हुई है लाइट ब्राउन ये भी हम डाल देंगे, और उससे पहले हम पानी में भी डालेंगे इलायची, और सूजी डालने के साथ साथ हम डाल देंगे बीच में मेवे भी, और फिर उसके बाद इसे तेज़ आंच पर आपने फटाफट से पकाना है और वापस प्लेट में निकाल लेना है।
और फिर हम उसके पीसीस वगैरह कर लेंगे। इस तरह हमारी मज़ेदार सी सूजी तैयार हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने जायके के लिए थोड़ा सा अगर खोया डालना है तो ये मैंने भी खोया थोड़ा सा निकाल कर रखा हुआ है, तो ये अलग खोया भी बीच में शामिल कर देंगे। शीरा हो गया था तैयार और इसमें मैंने फटाफट ये डाल दिया है और अब हम इसे थोड़ी तेज़ आंच पर थोड़ा पकाएंगे। बिल्कुल हमें इसे सुखा देना है। बिल्कुल शीरे में बिल्कुल देखेंगे कैसा जर्द हो गया। इसमें मैंने खोया मेवे सब कुछ मैंने बीच में शामिल कर दिया है। बहुत सख्त हो जाता है ये एकदम से, एक हाथ से करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। नईम के बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ मैंने कोई लाइट्स वगैरह भी लगा दी हैं, जब बिल्कुल अंधेरा होगा ना तब ये बहुत ज़बरदस्त लगेंगी। और यहाँ कुछ पड़ोस के बच्चे आए हैं बलून फुलाने के लिए। और यहाँ बड़ी ज़ोरों शोरों से हमारी तैयारियां चल रही हैं। कुछ मेरी लाइट्स ख़राब हो गई हैं, वो नहीं चली, तो जो थोड़ी बहुत थी मैंने ये देखें नईम के लिए हमने यहाँ पर भी लगा दी हैं लाइट। यहाँ से नीचे से गुजर कर आएंगे और ये देखें यहाँ सारी मैंने लाइटें लगा दी हैं। ये देखें जी जनाब, हमने आज ये भी लगा दिया है और काफ़ी सारे बलून हमने फुला दिए हैं। अब हमें तो पंखे बंद करके बैठना पड़ रहा है, ये तो सारे बलून उड़ रहे हैं, ये भी उड़ रहा है, तो इसलिए हमें पंखा बंद करके बैठना पड़ रहा है। लेकिन पता नहीं यार नईम के आने में अब कितना ज़्यादा टाइम है, पता नहीं कब आएंगे। तो लाना देवाना अभी मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतनी मेहनत से बोला, दो मिनट भी पूरे नहीं लगे। नईम ने 5 मिनट पहले आके सारे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। वैसे तो उसको याद नहीं था अपनी बर्थडे का। मगर यहाँ मैं इनके लिए केक लेके जा रही हूँ। हैप्पी बर्थडे। चलो आओ केक काटे। मैं भी लेके आया हूँ, देखो क्या लेकर आयो। छोड़ो मानो, छोड़ो ये इसमें क्या है? मानो की पापी, हमने तो परसों जाना है ना, अभी ले आयो। हम लोग के लिए केक। अच्छा ये तो लो, वो तो छोड़ दो, ये तो ले लो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। पिछले साल वाला जी नहीं, ये इस साल वाला है। अजान आप भी अपना गिफ्ट दो। ये लो। मानो खामोश रहना। सबसे पहले खोलना। आपने अपना गिफ्ट दे दिया ना, आप ये लो भाई मेरा गिफ्ट भी ले लो। बड़े गिफ्ट जमा हो रहे आज तो। मम्मा के गिफ्ट में कपड़े। शाबाश मानो, शाबाश। लो भाई मजाने से तो सब कुछ ही बता दिया यार। ये हमारे कोई फायदा नहीं है मानो तुम्हारा। ये हमारे मजबूर हैं। चलो अच्छा गिफ्ट तो खोलो, गिफ्ट कैसे लगे भाई तुम्हें? मेरा गिफ्ट खोलना। ये मानो की तो चॉकलेट है, मुझे पता है। खोल का देख लो पहले। देखो कौन सा कलर है। बहुत ओके, थैंक यू। बहुत ऐसे बहुत मानो बहुत खराब हो तुम। बहुत ऐसे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, सबको दिखाओ क्या चीज निकली है। ओ रजनी।
अरे मैंने बोला था ना कि बहुत हंस गया। चलो अब देखो मेरा गिफ्ट, मानो का गिफ्ट खोलोगे? चलो मानो का गिफ्ट खोल लो भाई। हम खोलती मानो का भी सरप्राइज ना रहने दिया जान ने। कितने साल के हो गए? 50 साल के हो गए पापा। क्या मैडम? ये लो तुम्हारे लिए। नसान को में। चलो मेरा गिफ्ट खोलो, कार्ड पढ़ो। सबसे पहले कार्ड तो पढ़ लो। मेरी बर्थडे में भी यही सब कुछ होना चाहिए। अच्छा मेरी बर्थडे में? तुम्हें पता था तुम्हारी बर्थडे? याद था? नहीं है? चलो केक लेकर आओ जान। चलो चलो काटो भाई काटो। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ ना, सामने कैसे मेरा हाथ पीछे किया है। इधर तो यार तुम्हारा राइट बनता है ना, बर्थडे तो तुम्हारी है। पहले तुम्हारा है। ये लो डैड, मैं भी खिलाऊंगा ना। अच्छा है केक भी? किस तरह से खिला रहे हो? आज हमने खाना भी बाहर से ही ऑर्डर किया है, और ये आ गया हमारा टिक्का, और ये देखें यमी यमी मजेदार। तुमने क्यों पापा को पहले से बता दिया सब कुछ? बताओ जरा मुझे। मैंने भी मानो का नहीं छोड़ा गिफ्ट, मैंने बोल दिया 100 रुपए की चॉकलेट है। क्या फायदा हुआ बताओ बताने का? तो चलो अब जल्दी से ये खाओ, जो होना था सो हो गया। ये भी शुक्र करो कि पापा 12 बजे आए, पहले ही अगर आ जाते फिर क्या करते बताओ। मानो तो पागल हो गई। मानो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।